हाय एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो फाइनली जेई मेन का फॉर्म जो है वो फिलिंग क्लोज हो चुका है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पहले 30 नवंबर तक डेट दिया गया था, उसके बाद में इसके डेट को इंक्रीज करके 4 दिसंबर कर दिया गया था, 4 दिसंबर 2023। तो अब फाइनली आपके फॉर्म जो है वो क्लोज हो चुका है। इस बार आपके कॉम्पिटिशन में लगभग 13.5 लाख से प्लस बच्चे हैं, लगभग 13.5 लाख से प्लस बच्चा इस बार आपके कॉम्पिटिशन में है। तो भाई कॉम्पिटिशन इस बार तगड़ा होने वाला है। जिस समय 7 से 8 लाख बच्चे होते थे, क्योंकि आपको पता है कि सीट्स नहीं बढ़े हैं, NITs, IITs में सीट्स वही है जो 2023 में रहा था, लेकिन इस बार नंबर ऑफ एपीएड स्टूडेंट काफी अधिक बढ़ा है। सो इस वजह से आपको अपने प्रिपरेशन को काफी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे में हमारे पास कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया एडमिट कार्ड कब तक आएगा, यानी कि जो आपके सेशन 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है 24 जनवरी से लेकर के, उसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। कई सारे बच्चों के ये भी कमेंट आ रहा कि भैया इंटीमेशन ऑफ सिटी क्या होता है और इंटीमेशन ऑफ सिटी में हमें क्या पता चलेगा, इंटीमेशन ऑफ सिटी कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, पूरी ध्यान से देखिएगा तो एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। देखो हम ये सभी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो कब आएगा, ठीक है। दूसरा, इंटीमेशन ऑफ सिटी क्या है और इंटीमेशन ऑफ सिटी कब आएगा। तीसरा, कैसे उसे डाउनलोड करना है। बच्चों के ये भी कमेंट थे कि भैया मैं एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करूंगा, कब तक आएगा। ये सारी डाउट का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेई मेन एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा तो एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सभी बातें करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में टेस्ट लॉन्च किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं वेदांतु की ओर से मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट MBSET आप सभी के लिए लॉन्च किया गया, जो कि आपके पास के सिटी में होने वाला है, आपके पास के सेंटर पे होने वाला है और ये एग्जामिनेशन आपके ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। 8 से लेकर के 12 तक के बच्चे या फाउंडेशन वाले बच्चे या नीट या जेई सभी बच्चे अपियर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो अच्छे रैंक लेकर के आएंगे उनको बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिवॉर्ड में जैसे कि मान के चले वॉच हो गया, ड्रोन हो गया और भी कई तरह के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा कि यहाँ पे आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा और 10% का तो आपको ऐसे भी मिलेगा अगर आप एग्जामिनेशन में अपियर हो जाते हैं तो। 5 डे का स्पेस रिसर्च सेंटर में आपको जाने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं टेस्ट आपके 9 तारीख और 10 तारीख को, 9 और 10 दिसंबर को होने वाला है। टेस्ट का इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या कमेंट के सबसे टॉप पे, क्लिक करके आप लोग टेस्ट में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। एक लिंक वो भी डाल देंगे जहां पे आपको पता चल पाएगा कि ये कौन कौन से सिटी में और कहां कहां पे होने वाला है, टेस्ट सेंटर कौन सा है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, जाकर के अभी आप लोग इनरोल कर लीजिए। इनरोलमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं। कई तरह के यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, इवन आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 डे का जो फुल्ली स्पेस रिसर्च सेंटर है उसमें जाने का मौका मिलेगा, 100% तक का स्कॉलरशिप, ड्रोन, स्मार्ट डिवाइसेज और भी कई तरह की फ्री 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। सो अभी जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपका देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। देखो नोटिफिकेशन के हिसाब से कहा गया था कि आपके जो इंटीमेशन ऑफ सिटी है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी में आपका आ जाएगा, वहीं एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन के जो एक्चुअल एग्जामिनेशन डेट है उसके 3 दिन पहले जारी किया जाएगा। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके एग्जामिनेशन 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में कंडक्ट होने वाला है तो 2nd वीक ऑफ जनवरी, जिसे आप लगभग मान सकते हैं कि 24 तारीख से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, तो 15 तारीख तक, ठीक है, 15 जनवरी के आसपास तक आपका इंटीमेशन ऑफ सिटी आ जाएगा, जिसके अंदर आपको जिस सिटी में एग्जामिनेशन होने वाला है वो सिटी आपको बताई जाएगी। जैसे मान के चले आपका एग्जामिनेशन पटना में होने वाला है तो पटना वहां पे आपको बता दिया जाएगा, या आपका एग्जामिनेशन मान के चले नागपुर में होने वाला है तो नागपुर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन किस कॉलेज में होने वाला है वो आपके एडमिट कार्ड में बताया जाएगा, जो कि वो 3 दिन पहले आएगा। जैसे मान के चले किसी बच्चे का एग्जामिनेशन 24 को है तो एडमिट कार्ड जो आपका है वो 21 को आएगा, ठीक है। किसी का 25 को है तो उसका 22 को आएगा, किसी का एग्जामिनेशन 27 को है या 26 को है तो 27 वालों का 24 को आएगा। मतलब आपके अपने एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि सेंटर सेटिंग का मामला निकलकर सामने आया था। आपको भी पता है कि क्या कुछ चीजें होती है, NITs, IITs में सीटें तो भाई एकदम फिक्स है, लेकिन बहुत सारे वैसे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है, आपकी सीट वो लेके चले जाते हैं जो कि पढ़ते भी नहीं है, पैसा देकर के जो है एग्जामिनेशन में सेटिंग करवा लेते हैं। तो इस वजह से पहले चीजें नहीं बताई जाती, मतलब 3 दिन पहले ही बताई जाती है, जिससे कि चीजों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो इंटीमेशन ऑफ सिटी है वो 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा, वहीं एडमिट कार्ड आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन के, हाँ इसके अंदर एक चीज आपको बता दिया जाएगा, एग्जामिनेशन की डेट। मान के चले कि आपका एग्जामिनेशन 27 को होने वाला है
और सिटी पता चल गया कि पटना में होने वाला है, तो पटना में आप भाई टिकट कर सकते हो, ठीक है, पटना के लिए आप टिकट कर सकते हो आराम से, कि मेरे को अगर 27 का एग्जामिनेशन है तो 25 के रात में या 26 के अपने लोकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि टिकट कर लेंगे। उसके बाद में जो कॉलेज है वो एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आपको पता चल जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। वहीं सेशन 1 का रिजल्ट 12 फरवरी 2024 को जारी किया जाएगा, बाकी सेशन 2 के बारे में भी हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, यह चैनल आप सभी को ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड करती रहती है, साथ में आपके टिल एडमिशन हम लोग कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। साथ ही जो मैंने टेस्ट आप सभी को बताया है MBSAT, उसे जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिए, इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा।